दोस्तों आज की हमारी मूवी है इनविजिबल एविडेंस और ये एक क्राइम सस्पेंस थ्रिलर मूवी है। तो मूवी की शुरुआत में हम ताई नाम की लड़की को देखते हैं और ताई अपने डॉगी बैन के साथ अकेली रहती है। ताई अपनी आंखों से देख नहीं पाती, फिर भी ताई अपने सारे काम बहुत ही अच्छे से करती है। आगे ताई एक पुलिस स्कूल में जॉब के लिए बात करने जाती है और वहां पर ताई ऑफिसर से कहती है, सर मैंने ब्रेल सिस्टम से 3 साल तक पढ़ाई की है और मैं रीड कर सकती हूँ, मैं कंप्यूटर भी चला सकती हूँ और मैंने मार्शल आर्ट की ट्रेनिंग भी ली है, आप प्लीज मुझे इस स्कूल में कोई काम दे। ताई की ये बात सुनकर ऑफिसर ताई की इस बात का कोई जवाब नहीं देता। आगे हमें 3 साल पहले का समय बताया जाता है जब ताई इसी स्कूल में ट्रेनिंग ले रही थी और वो ट्रेनिंग के दौरान रस्सी के जरिए एक ऊंची बिल्डिंग से नीचे उतरती है, अपराधियों के बीच फंसे एक आदमी को बचाती है और तब उसके ऑफिसर ताई की बहुत ही तारीफ कर रहे थे। फिर ताई क्लब में जाकर अपने छोटे भाई को क्लब से पकड़कर बाहर लाती है क्योंकि ताई का छोटा भाई महीने भर से स्कूल न जाकर क्लब में गाना गाने का काम कर रहा था। ताई का भाई अपनी बहन का विरोध करता है, तब ताई अपने भाई के दोनों हाथों को बांधकर उसे कार में ले जाती है, पर रास्ते में ताई का भाई उसे गाड़ी नहीं चलाने दे रहा था और वो बार बार लात मारकर ताई को गाड़ी चलाने से डिस्टर्ब कर रहा था। तभी ताई की गाड़ी के सामने एक और गाड़ी आ जाती है और ताई की गाड़ी एक कंस्ट्रक्शन एरिया में घुस जाती है। ताई की आंखें खुलती है तो वो गाड़ी के बाहर थी और वो घायल थी और ताई का भाई गाड़ी में ही सीट से बंधा हुआ था और ताई का भाई अपनी बहन को मदद के लिए आवाज लगा रहा था। ताई घायल थी फिर भी अपने भाई को बचाने के लिए खड़ी होती है और वापस नीचे गिर जाती है और तभी कार में एक बड़ा विस्फोट होता है और इस एक्सीडेंट में ताई का भाई मारा जाता है और इस एक्सीडेंट में ताई भी अंधी हो गई थी। ताई इस घटना को याद करते हुए अपने घर पर आती है और घर की अपनी किताबों को वापस शेल्फ में रखने लगती है। तभी रेडियो पर एक न्यूज चल रही होती है, उसमें कहा जा रहा था ये खबर सिक्योरिटी के लिहाज से बताई जा रही है, पुलिस ने वार्निंग दी है यंग गर्ल रात के समय में अकेले घर से बाहर ना निकले क्योंकि हाल ही के दिनों में यंग गर्ल के खोने की कई सारी रिपोर्ट आई है, कोई है जो इन लड़कियों को किडनैप कर रहा है। आगे मूवी में हमें दूसरा सीन बताया जाता है जहां पर एक लड़की घुटनों के बल सीढ़ियों से उतर रही थी, तभी उसे एक आदमी बालों से पकड़कर उसे अपने साथ ले जाता है। दूसरी तरफ ताई अपनी आंटी के साथ थी और ताई अपने आंटी के साथ मिलकर अपने भाई के लिए प्रे कर रही थी और ताई अपने भाई को याद कर दुखी होती है। तभी ताई की आंटी ताई के पास आकर कहती है, उस घटना को अब 3 साल हो चुके हैं और तुम उसके लिए अपने आप को ब्लेम करना बंद करो, मेरा वीजा अप्रूव हो गया है, अब मुझे देश छोड़कर जाना होगा। ताई कहती है, ना आप मेरी बिल्कुल चिंता मत कीजिए, मैं अपना ख्याल रखूंगी, और ऐसा कहकर ताई अपने घर के लिए निकलने लगती है ये बोलकर कि मैं अकेली चले जाऊंगी, मैं कैब करवा कर घर के लिए निकल जाऊंगी, आप चिंता मत कीजिए। आगे ताई बस स्टैंड पर थी और वो कैब वालों को कॉल करके कैब वालों का इंतजार करती है, पर बहुत देर तक ताई की कैब नहीं आती है और उस बस स्टैंड से सभी एक एक करके चले जाते हैं। ताई अब अकेली थी और वो कैब का वेट कर रही थी। तभी वहां पर आकर एक गाड़ी रुकती है और उस गाड़ी का ड्राइवर ताई को अंदर बुलाता है। ये सुनकर ताई कार में जाकर बैठ जाती है और ताई ड्राइवर से कहती है, इस गाड़ी में बैठा पिछला पैसेंजर हॉस्पिटल में काम करता था, तुम्हारी कार स्मेल कर रही है, ऐसा लग रहा है जैसे हम हॉस्पिटल में हो। ड्राइवर कहता है, मुझे ये कार मेंटेनेंस के लिए भेजनी है, क्या बचपन से ही अंधी हो? ताई कहती है, नहीं 3 साल पहले मैं एक्सीडेंट में अंधी हो गई थी। ये सुनकर वो ड्राइवर ताई को पानी की बोतल देता है पानी पीने के लिए, पर ताई उस बोतल को अपने पास रख लेती है और वो पानी नहीं पीती। वो ड्राइवर कहता है, पानी पी लीजिए। ताई कहती है, नहीं मुझे अभी प्यास नहीं लगी। वो ड्राइवर पीछे की ओर पलट कर कहता है, लाओ मैं इस बोतल को ओपन कर दूं, और ऐसा कहकर वो ड्राइवर ताई से वो बोतल लेने की कोशिश करता है। ताई कहती है, नहीं मैं ओपन कर लूंगी, और वो उस ड्राइवर का विरोध करती है। तभी गाड़ी के सामने कोई आ जाता है और वो उस गाड़ी से टकरा जाता है, झटका लगने के कारण ताई का सर भी आगे वाली सीट से टकरा जाता है। उस गाड़ी का ड्राइवर नीचे उतरकर देखता है और उसके पास जाता है और उसे उठाकर अपनी गाड़ी की डिक्की में बंद कर देता है। ताई ने भी ये सब सुन लिया होता है और ताई नीचे उतरकर ड्राइवर से पूछती है, क्या तुमने किसी को टक्कर मार दी? और ड्राइवर कहता है, नहीं ये बस एक कुत्ता था, तू अंदर जाओ। और डिक्की से जोर जोर से सांस लेने की आवाज आती है और ताई इस आवाज को सुनकर पुलिस को कॉल करने लगती है। तब वो ड्राइवर ताई को ऐसा करने से रोकता है और इसके कारण ताई चिल्लाने लगती है और ये सुनकर हड़बड़ी में ड्राइवर अपनी गाड़ी वहां से लेकर निकल जाता है। आगे ताई पुलिस के पास जाती है कंप्लेन लिखाने के लिए, पर पुलिस ऑफिसर ताई की बताई बातों पर विश्वास नहीं करता और वो कहता है, हमारे पास ऐसी एक्सीडेंट की कोई रिपोर्ट नहीं आई। ताई कहती है, मैं यहां पर रिपोर्ट लिखाने ही आई हूं। पुलिस ऑफिसर ताई की बताई हुई जानकारी को नोट करता है और सीनियर पुलिस ऑफिसर होवा को बुलाता है। सीनियर ऑफिसर होवा आती है और वो ताई की बताई हुई जानकारी को देखकर कहती है, सॉरी मुझे आने में लेट हो गया और मेरे ऑफिसर ने आपसे अच्छा बर्ताव नहीं किया, आप घर जाइए, मैं इस केस की छानबीन करूंगी और फिर मैं आपको कॉन्टेक्ट करूंगी। ताई कहती है, मिस होवा आप इस केस को इन्वेस्टिगेट कीजिए, किसी की जान खतरे में है। होवा कहती है, आपको मेरा नाम कैसे पता? ताई कहती है, मैंने आपकी वॉइस पहचान ली, मैंने आपको देखा था जब मैं एकेडमी में थी। होवा कहती है, ठीक है पुलिस आपको आपके घर तक छोड़ देगी। ताई जाने लगती है तब ताई होवा से कहती है, आपके पांव ठीक नहीं है, आप इसका ख्याल रखिएगा, और ऐसा कहकर ताई पुलिस के साथ वहां से चली जाती है। दूसरी तरफ उस लड़की को होश आता है जो उस ड्राइवर की कार से टकराई थी और वो ड्राइवर उस लड़की को डिक्की में अपने साथ बंद कर ले गया था। वो ड्राइवर उस लड़की को बेहोशी का इंजेक्शन लगाकर वापस से बेहोश कर देता है और कार से मिली ताई की डायरी से कॉन्टेक्ट नंबर और एड्रेस देखकर और वो ड्राइवर उस डायरी को जला देता है और फिर वो उस लड़की का रेप करता है। सुबह पुलिस ऑफिसर होवा ताई के घर पर आती है पूछताछ करने के लिए और होवा ताई से कहती है, हमने तुम्हारे कहे अनुसार छानबीन की, वो जगह पर हमें किसी कुत्ते के ट्रेसेस नहीं मिले। ताई कहती है, कुत्ते साइज में छोटे होते हैं तो वो कार से टकराएंगे तो भी वो कार के नीचे आ जाते हैं, वो कभी भी कार के शीशे से नहीं टकराएंगे। होवा कहती है, क्या तुम्हें कुछ याद है उस ड्राइवर के बारे में? ताई याद करती है और कहती है, मुझे ये नहीं पता कि वो कार कौन सी थी, पर वो एक बड़ी 7-सीटर कार थी और उस ड्राइवर का कद 1.75 से 1.77 मीटर लंबा था। ये सुनकर होया और उसके पास बैठा पुलिस वाला सोचने लगते हैं। ऑफिसर की चुप्पी को ताई समझ जाती है और ताई कहती है, क्या आपको मुझ पर अभी भी विश्वास नहीं? तो आप यहाँ पर क्यों आए हो? आपके पास जो ऑफिसर बैठे हैं उनकी उम्र 24 साल तक है और उनका कद 1.75 से 1.77 मीटर लंबा है और उनका वजन 70 किलो के करीब है, क्या मैं सही बोल रही हूँ? ये सुनकर होया के पास बैठा पुलिस ऑफिसर कहता है, हाँ ये बिल्कुल सही बोल रही है,
पर कैसे? ताई कहती है किसी भी पर्सन की हाइट उसके बोलने की शक्ति से पता लग सकती है और उसका वजन उसके कदमों की आवाज से मैं पता लगा सकती हूँ। मैंने ये सब सीखा है ताकि मैं बिना देखे उसके बारे में सब कुछ पता लगा सकूं। उस ड्राइवर को लगा कि मैं देख नहीं सकती, पर गाड़ी के शीशे से कोई भारी चीज टकराई थी और पीछे किसी भारी चीज के गिरने की आवाज भी आई थी। मैं समझ गई कि वो किसी इंसान का शरीर था, कोई कुत्ता नहीं। और फिर मैंने डिक्की के पास किसी महिला के सांस लेने की आवाजें भी सुनी, पक्का वो कोई लेडी ही थी। और उस ड्राइवर ने मुझे एक पानी की बोतल भी दी थी, वो एक लेफ्ट हैंडेड था क्योंकि उसने घड़ी सीधे हाथ में पहन रखी थी। नॉर्मली लोग उस हाथ में घड़ी पहनते हैं जिसका वो कम यूज करते हैं। और फिर वो ड्राइवर बोतल से मुझे पानी पीने के लिए बोल रहा था और वो ढक्कन खोलने की जिद भी कर रहा था और खुद भी बोतल के ढक्कन को खोलने की कोशिश कर रहा था। ये सुनकर होया कहती है आज के लिए इतनी जानकारी काफी है, पर क्या मैं तुमसे एक बात पूछूं, तुम्हें मेरे पैरों की चोट के बारे में कैसे पता चला? ताई कहती है क्योंकि आपके फुट स्टेप अनबैलेंस थे, आप एक पैर से छोटे कदम रख रही थी। मूवी के अगले सीन में हमें एक हाई नाम का लड़का बताया जाता है जिसे उसके मकान मालिक का कॉल आता है और उसका मकान मालिक उसे धमकी देता है, तुम जल्दी किराया भर दो नहीं तो मैं तुम्हारा सामान बाहर फेंक दूंगा। हाई अपने दोस्त से और अपने बॉस से पैसा मांगता है पर वो दोनों हाई को पैसा देने से इनकार कर देते हैं। आगे हाई अपना काम कर रहा था तब वो टेम में एक न्यूज देखता है, शहर से एक और लड़की गायब है और पुलिस का कहना है जो भी उस लड़की की जानकारी देगा या उसे पकड़ने वाले अपराधी की जानकारी देगा उसे पैसा दिया जाएगा। ऑफिसर हुआ गैराज पर जाकर पता करती है कि इन दिनों कोई ऐसी गाड़ी आई है जिसका फ्रंट का शीशा टूटा हो, पर गैराज पर काम करने वाले ऐसी कोई गाड़ी आने से इनकार कर देते हैं। तभी वहाँ जूनियर पुलिस ऑफिसर आकर हुआ को शहर में काम करने वाले टैक्सी ड्राइवर की लिस्ट दिखाता है। तभी हुआ को कॉल आता है और सामने से पुलिस वाला हुआ को बताता है एक गवाह है जो उस ड्राइवर के बारे में जानकारी देने आया है। आगे ताई के साथ हाई नाम का वही लड़का बैठा था और होया उससे पूछताछ कर रही थी जो कि गवाह था। होया कहती है क्या तुम बिल्कुल श्योर हो? हाई कहता है हाँ मैं 200% श्योर हूँ, मैं इसकी तरह अंधा नहीं हूँ। वो गाड़ी टोयोटा या हुंडई हो सकती है, वो गाड़ी ऑडी नहीं हो सकती। ये सुनकर ताई कहती है उस रात मैंने टैक्सी को बुलाया था। ये सुनकर हाई कहता है ये लड़की अंधी है और इसे क्या पता सच क्या है और इसे ये मोबाइल किसने दिया जबकि ये मोबाइल चला भी नहीं सकती। ये सुनकर ताई मोबाइल से हाई के फोटो लेकर हाई को दिखाती है और पूछती है तो मुझे बताओ ड्राइवर ने उस लड़की को फ्रंट सीट पर रखा था या बैक सीट पर रखा था? हाई कहता है उसने उस लड़की को बैक सीट पर रखा था। ताई कहती है ये झूठ बोल रहा है, उस ड्राइवर ने उस लड़की को डिक्की में रखा था, ये सब कुछ झूठ बोल रहा है और इसे कुछ नहीं पता क्योंकि इसे इनाम के पैसे चाहिए। ये सुनकर हुआ हाई पर चिल्लाती है तुम पैसों के लिए झूठ बोल रहे हो। तब हाई पुलिस स्टेशन से भाग जाता है और बाहर उसी ड्राइवर की ऑडी कार खड़ी थी और उसमें बैठा ड्राइवर हाई को पुलिस स्टेशन से भागते हुए देखता है। ऑफिसर हुआ ताई से कहती है ताई तुमने कहा था कि ड्राइवर की बोलचाल का तरीका मिक्स था, क्या मैं तुम्हें कुछ ऑडियो फाइल सुनाऊंगी तो तुम उस ड्राइवर की पहचान कर पाओगी? ताई कहती है हाँ। ऑफिसर हुआ सभी ड्राइवर से बात करती है और उनकी आवाज को रिकॉर्ड करती है। दूसरी तरफ एक लड़की क्लब से निकलकर चैट कर किसी को बुलाती है और तब वहाँ पर उसी ड्राइवर की गाड़ी आती है। वो लड़की नशे में थी और वो कैब में जाकर बैठ जाती है। ताई भी अपने घर पर थी और उसे एक कॉल आता है और ताई को वही ड्राइवर कॉल करता है पर वो ड्राइवर ताई से कोई बात नहीं करता। ताई उसे बात करने की कोशिश करती है पर दूसरी तरफ से कोई आवाज नहीं आती। ताई भी गाड़ी चलने की आवाज को सुन रही थी और उस गाड़ी में वही लड़की बेहोश थी और उसके हाथ में पानी की बोतल थी। दूसरी तरफ से ड्राइवर कुछ नहीं बोलता, तब ताई को कुछ शक होता है। अगले दिन ताई रिकॉर्ड की हुई सभी ड्राइवर की आवाज सुनती है पर उसमें से कोई भी वॉइस उस ड्राइवर की नहीं थी जो उस रात ताई को मिला था। दूसरी तरफ हाई गार्डन में स्केटिंग कर रहा था तभी उसे गार्डन में बैठा हुआ एक आदमी दिखाई देता है जो आदमी हाई को ही देख रहा था और हाई को उस आदमी पर शक होता है। हाई उस आदमी को देखकर वहां से भागता है तो वो आदमी भी हाई का पीछा करने लगता है। होया को पुलिस ऑफिसर कॉल करके कहता है मैंने सभी टैक्सी कंपनियों से बात की है और ताई की बताई हुई लोकेशन और टाइम को मैंने उनसे कंफर्म किया पर वहां पर उस समय कोई भी टैक्सी वाला नहीं था। ये सुनकर होया ताई से कहती है वहां पर उस समय कोई भी टैक्सी वाला नहीं था, हमें हाई को कॉल करके उसे पूछना चाहिए। होया हाई को कॉल करती है पर हाई कॉल नहीं उठा रहा था। हाई भाग रहा था और वो आदमी हाई का पीछा कर रहा था। आगे जाकर हाई एक जगह पर छुप जाता है और वो आदमी भी हाई को ढूंढने लगता है। तभी हाई के फोन की बेल बजती है और ये फोन ताई कर रही थी। बेल की आवाज सुनकर वो आदमी हाई को पकड़ लेता है और उसका गला दबाने लगता है। हाई ने फोन चालू कर दिया था और दूसरी तरफ ताई को ये सारी आवाजें आ रही थी। तभी वहां पर किसी के आने की आवाज आती है और वो आदमी हाई पर वार करके वहां से चला जाता है। वहां पर साइकिल से एक आदमी आता है और वो बेहोश हाई को देखकर मदद के लिए आवाज लगाता है। आगे होया और हाई दोनों हॉस्पिटल में जाते हैं हाई से मिलने के लिए। होया और ताई हॉस्पिटल में हाई के पास थी और होया ताई से कहती है एक बात हमें समझ में आ गई, वो गाड़ी टैक्सी नहीं थी। तभी हॉस्पिटल के उस रूम में नर्स आती है दवाई की बॉटल्स लेके और उन दवाई को सुनकर ताई कहती है ऐसी स्मेल मुझे उस दिन उस कार में भी आ रही थी, जरूर उस बॉटल में क्लोरोफॉर्म होगा और इसलिए मुझे वो पीने के लिए फोर्स कर रहा था। होया कहती है कोई भी आम आदमी क्लोरोफॉर्म नहीं खरीद सकता, वो शायद मेडिकल फील्ड से होगा। तभी ताई को याद आता है कि उस दिन बस स्टैंड पर जब वो इंतजार कर रही थी तब उसके पड़ोस में कोई लेडी खड़ी होकर किसी आदमी से बात कर रही थी और वो उस आदमी को लेट आने के लिए चिल्ला भी रही थी। ये याद करके ताई कहती है शायद उस आदमी को लगा होगा मैं वही लेडी हूँ इससे वो डेटिंग ऐप पर बात कर रहा था और बस स्टैंड में मेरे पास खड़ी लेडी उस आदमी पर चिल्ला रही थी इसलिए उस आदमी ने लेट आने के लिए मुझसे माफी भी मांगी। होया कहती है हाँ हमने अभी अभी खोई हुई लड़कियों की छानबीन की थी और वो सभी लड़कियां जो गायब है वो डेटिंग ऐप से जुड़ी हुई थी। ये सुनकर ताई कहती है मैं तुम्हें बताना भूल गई, मुझे कल एक अननोन नंबर से कॉल आया था पर सामने वाला कुछ नहीं बोल रहा था। होया पुलिस को कॉल करके उस नंबर को चेक करने को कहती है। उस रात वही ड्राइवर जो अपराधी था वो चोरी से ताई के घर में घुस जाता है। दूसरी तरफ हाई को भी होश आ गया था और होया हाई को बताती है ताई ने पूरी रात तुम्हारी देखभाल की, वो यहीं पर बैठी थी। ये सुनकर हाई कहता है पर वो यहाँ पर क्यों बैठी थी, वो कोई मेरी सिस्टर नहीं है, उसने मुझे झूठा बुलाया था। तब होया हाई पर चिल्लाती है पर ताई हाई से सॉरी कहती है क्योंकि उसने उसे झूठा बुलाया था। आगे होया ताई के साथ थी तभी होया को कॉल आता है और होया कॉल अटेंड करके ताई को बताती है जिस नंबर से कल रात तुम्हें कॉल आया था हमने उसका पता लगाया है।
वो उसी लड़की का नंबर था जो कल रात गायब हो गई थी। ताई अपने घर पर वापस आती है तब ताई का कुत्ता बेन घर में आने से बहुत डर रहा था। आगे ताई को मोबाइल पर कॉल आता है और कॉल उसी ड्राइवर का था और ड्राइवर कहता है तुम्हारा घर बहुत सुंदर है। ये सुनकर ताई को पता चल जाता है कि वो आदमी ताई के घर पर आया था और वो आदमी घर पर लगाए वीडियो कैमरा से ताई पर नजर रखा था। वो आदमी कहता है वो बच्चा वो तुम्हें अपने भाई की याद दिलाता होगा ना जो 3 साल पहले मारा गया था और ये बच्चा भी मरना डिजर्व करता है। ताई कहती है तुम कुछ भी कर लो पर तुम नहीं बच पाओगे। ये सुनकर वो ड्राइवर फोन काट देता है। ताई किलर की बात को सुनकर डर जाती है और वो डॉगी के साथ कहीं जाने लगती है। ताई उस हॉस्पिटल में जाती है जहाँ पर हाई एडमिट था और वो अपने दोस्तों के साथ हॉस्पिटल छोड़कर जाने की तैयारी कर रहा था। तब ताई हाई से कहती है तुम यहाँ से नहीं जाओगे जब तक ऑफिसर होया नहीं आ जाती। वो आदमी तुम्हें पहचानता है जिसने तुम पर अटैक किया था और वो अभी भी तुम्हारा पीछा कर रहा है, तुम्हारी जान खतरे में है। पर हाई ताई की बातों को नहीं मानता और वो वहाँ से चला जाता है। आगे हाई हॉस्पिटल के बाहर खड़ा था तब वो देखता है ताई बस में जा रही थी। तभी उसके पीछे एक कैफ वाला आदमी भी बस में चढ़ता है और ये देखकर हाई उस बस को रोकने की कोशिश करता है पर वो बस निकल जाती है। तब हाई फोन लगाकर ताई से कहता है मैं हाई बोल रहा हूँ, सिर्फ मेरी बात सुनो और कुछ मत बोलना, अपना ईयरफोन लगाओ मैं तुम्हें वीडियो कॉल करता हूँ। ताई हाई की कहे अनुसार वैसा ही करती है जैसा हाई कहता है। फिर हाई कहता है वो आदमी तुम्हारी बस में है जिसने कल रात मुझ पर हमला किया था, तुम बिल्कुल शांत रहना और अपने मोबाइल को बस के चारों तरफ घुमाओ ताकि मैं उस आदमी को पहचान सकूं। ताई हाई के कहे अनुसार वैसा ही करती है जैसा हाई ने कहा था और हाई वीडियो कॉल में बस को देखकर कहता है वो आदमी तुम्हारे राइट में बैठा है और बस में और भी लोग बैठे हैं इसलिए तुम्हें वो कुछ नहीं करेगा, मैं तुम तक पहुंचने की कोशिश करता हूं। और हाई भी अपने स्केटबोर्ड से उस बस का पीछा कर रहा था। तभी बस स्टॉप आता है और ताई बस से उतरने के लिए खड़ी होती है। ताई भीड़ वाले बस स्टैंड पर उतरने लगती है तभी वो आदमी पीछे से आकर ताई पर चाकू उड़ा देता है और वो ताई को उस बस स्टैंड पर उतरने नहीं देता। तब हाई का दोस्त भी वहाँ आ जाता है और हाई उसकी गाड़ी पर बैठकर बस का पीछा करने लगता है। बस एक सुनसान जगह पर रुकती है और वो आदमी ताई को उस जगह पर उतरने को कहता है। उस आदमी ने ताई पर चाकू उड़ा रखा था और वो आदमी ताई को अपने साथ ले जाने लगता है। तभी ताई अपने बैग से पेपर स्प्रे निकालकर उस आदमी पर पेपर स्प्रे करती है और वहां से भागने लगती है और वो हाई से वीडियो कॉल पर बात भी कर रही थी। वो आदमी भी ताई का पीछा करने लगता है और ताई भी वीडियो कॉल पर इंस्ट्रक्शन सुनकर वहां से भागती है। आगे हाई ताई को एक बिल्डिंग के अंदर जाने का रास्ता बताकर उसे वहां के लिफ्ट में जाने के लिए कहता है। ताई लिफ्ट में पहुंच जाती है और वो आदमी भी वहां पर पहुंच जाता है और वो आदमी ताई पर हमला कर उसे बेहोशी का इंजेक्शन लगा देता है। तभी ताई का कुत्ता वहां आकर उस आदमी को काटने लगता है और वो आदमी ताई के कुत्ते को मार देता है। तब तक लिफ्ट बंद हो जाती है और लिफ्ट ऊपर चली जाती है। ऊपर लिफ्ट में कुछ आदमी ताई को दिखकर उसे हॉस्पिटल पहुंचाते हैं। ताई को हॉस्पिटल में होश आता है और वो अपने डॉगी के बारे में सुनकर बहुत दुखी होती है। आगे पुलिस सीसीटीवी कैमरा की मदद से उस आदमी का पता लगाने की कोशिश करती है। होया ताई और हाई को ताई के घर पर छोड़ने जाती है। तब एक पुलिस ऑफिसर अपने सीनियर ऑफिसर को बताता है सर अभी अभी एक मेल आया है और इन दो नामों से सस्पेक्ट की बात हुई थी, हमें दो यूजर नेम मिले हैं और ये उन दो लड़कियों के यूजर नेम है जो लड़कियां गायब है और ये दोनों लड़कियां उसी डेटिंग ऐप पर थी। पुलिस ऑफिसर होया को ये बात बताता है और होया ताई को कहती है हम उस अपराधी को पकड़ने जा रहे हैं। होया के जाने के बाद ताई हाई को अपने भाई का रूम दिखाती है और हाई को ये रूम बहुत पसंद आता है और हाई ताई को स्केटिंग भी सिखाता है। हाई के आने के बाद ताई बहुत खुश थी और हाई ताई को उसके छोटे भाई होने का एहसास दिला रहा था। दूसरी तरफ पुलिस ऑफिसर और होया अपराधी को पकड़ने जा रहे थे। तब पुलिस ऑफिसर होया को बताता है ये अपराधी एक आई सर्जन है और इसकी एक गर्लफ्रेंड भी थी पर अब उसके बारे में हमें कोई जानकारी नहीं मिली, अब तक ना उसने अपना फोन यूज किया और ना ही अपना क्रेडिट कार्ड यूज किया, वो लड़की भी और लड़कियों की तरह गायब है। दूसरी तरफ वो किलर एक लड़की के साथ था जो उसकी गर्लफ्रेंड थी और वो बेहोश थी। उस किलर ने अपनी गर्लफ्रेंड के शरीर को सजा रखा था और उसे अपनी गर्लफ्रेंड को देखकर पिछली बातें याद आती है जब वो अपनी गर्लफ्रेंड के साथ था और वो अपनी गर्लफ्रेंड से कहता है मैं तुम्हारी लेफ्ट आई को फिक्स कर सकता हूँ फिर ये और भी अच्छी लगेगी। ये सुनकर वो लड़की कहती है मेरी पहले भी सर्जरी हो चुकी है और अब मेरी आंखें बिल्कुल ठीक है और मुझे अब वापस सर्जरी की जरूरत नहीं। तब वो किलर उस लड़की की आंखों का मेजरमेंट लेने लगता है जिसके कारण वो लड़की चिढ़ जाती है और वो लड़की वहां से जाने लगती है। तब वो किलर उस लड़की पर गुस्सा करता है और वो उस लड़की को मारता है जिससे वो लड़की बेसुध होकर गिर जाती है। वो किलर उस लड़की के बारे में याद कर रहा था तभी उसे गाड़ी की आवाज आती है। बाहर हुआ और वो पुलिस ऑफिसर आ चुके थे और हुआ और वो पुलिस ऑफिसर दोनों अलग अलग होकर उस घर को चेक करने लगते हैं। तब वहाँ पर हुआ को वही गाड़ी कार दिखाई देती है और उसे वही गैराज में कई सारी नंबर प्लेट भी मिलती है। तभी वो किलर आकर हुआ पर हमला करता है और हुआ और किलर के बीच में हाथापाई होती है। दूसरी तरफ पुलिस ऑफिसर को भी घर के अंदर से लड़कियों की बॉडी मिलती है और वो सभी लड़कियां जिंदा थी और बेहोश थी। ये देखकर पुलिस ऑफिसर एम्बुलेंस को कॉल करता है और हुआ उस किलर को मारकर उसे पकड़ लेती है। तब वो किलर अपने पास छुपाए हुए हथियार से हुआ के गले पर वार करता है, इसे हुआ नीचे गिर जाती है और उसके शरीर से बहुत खून बहता है। वो किलर ऑडी गाड़ी लेकर वहां से निकल जाता है और आगे वहां पर एम्बुलेंस भी आ जाती है और एम्बुलेंस सभी लड़कियों को अपने साथ ले जाने लगती है। तब पुलिस ऑफिसर एम्बुलेंस वाले से कहता है सभी लड़कियां जिंदा है और वो हुआ को घर में ढूंढने लगता है। तो उस पुलिस ऑफिसर को हुआ फर्श पर मिलती है और हुआ पुलिस ऑफिसर से कहती है ताई की मदद करने उसके घर पर जाओ। ये सुनकर पुलिस ऑफिसर एम्बुलेंस वाले को बुलाकर हुआ को ले जाने के लिए बोलता है और वो ताई की मदद के लिए वहां से निकल जाता है। दूसरी तरफ वो किलर भी ताई के घर पहुंच गया था और वो किलर ताई से बात करने लगता है। तभी वहां पर हाई आकर उस किलर पर हमला करता है और दोनों के बीच हाथापाई होती है। हाई ताई को वहां से जाने के लिए कहता है और ताई ऊपर वाले कमरे में चली जाती है। वो किलर भी हाई को घायल करके ऊपर वाले कमरे में जाने लगता है। तब ऊपर जाकर वो किलर देखता है बालकनी की रेलिंग से एक कपड़ा बंधा हुआ था और उसे लगता है कि ताई वहां से नीचे उतर गई। तभी ताई कमरे में से आकर बालकनी का गेट बंद करती है और वहां रखी अलमारी को गेट से चिपकाकर गिरा देती है। ताई नीचे आती है तो उसे वहां पर हाई की आवाज आती है और ताई घायल हाई को उठाकर अपने साथ घर के बाहर ले जाती है। ताई हाई को अपने साथ स्टोर रूम में ले आती है और अंदर से दरवाजा बंद कर देती है। दूसरी तरफ किलर भी बालकनी का दरवाजा खोलकर नीचे आ गया था और वो भी स्टोर रूम के दरवाजे को जाकर तोड़ने की कोशिश करता है।
ताई स्टोर रूम में रखे सामान को हाथ लगाती है तो उसके हाथ में एक स्टोव लगता है और वहाँ पर एक मैच बॉक्स भी रखी थी। तभी वो किलर स्टोर रूम का दरवाजा तोड़कर अंदर आ जाता है। तब ताई स्टोव में भरे फ्यूल को उस किलर पर डालती है और उसे आग लगा देती है। वो किलर अपनी जान बचाने के लिए बाहर भागता है क्योंकि बाहर बारिश गिर रही थी, और ताई घायल भाई को अपने साथ लेकर वापस अपने घर में जाने लगती है। तब वो किलर पीछे से आकर ताई पर हमला करता है और उसे घायल करके उसका रेप करने की कोशिश करता है। तब भाई उठकर उस किलर पर हमला करता है और वो ताई को अपने साथ ले जाने लगता है। तब किलर हाई को पकड़कर उसे मारता है, उसे घायल कर देता है और उसका गला दबाने लगता है। और ताई गार्डन में कोई चीज ढूंढने लगती है जिससे वो हाई को बचा सके, तो उसके हाथ में हाई का स्केट बोर्ड लगता है और ताई उस स्केट बोर्ड को लेकर चुपचाप खड़ी हो जाती है। उस किलर ने हाई का गला दबा रखा था तो हाई ताई से मदद मांग रहा था। तब ताई कहती है, मैं तुम्हारी मदद नहीं कर सकती क्योंकि मैं तुम्हारी तरह नहीं देख सकती। ये सुनकर वो किलर हाई को छोड़कर ताई की तरफ बढ़ने लगता है और ताई उस किलर के कदमों को सुनने लगती है। जैसे ही वो किलर ताई के पास आता है, ताई उस स्केट बोर्ड से उस किलर के सर पर जोरदार हमला करती है जिसे वो किलर बेसुध होकर नीचे गिर जाता है। ताई हाई को ढूंढते हुए उसके पास जाती है और उसे अपने गले लगाती है, और ताई को ऐसा लगता है उसने अपने भाई को बचा लिया और मूवी यहीं खत्म हो जाती है। यदि आपको